पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर बाल्मीक सिंह के तरफ से रेगुलर अपडेट मित्रा रेगुलर अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताने जा रहा हूं जो नई सर्विस अभी नई नई लॉन्च हुई है जेस्ट, अभी मित्रों उसमें आप बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। अब बहुत अच्छी सर्विस आई है, उसका नाम है शुभम सेविंग अकाउंट। तो मित्रों, शुभम सेविंग अकाउंट कैसे खोलेंगे, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसके डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उसके चार्ज हैं, क्या उसके नियम हैं, मित्रों पूरा मैं विस्तार से बता रहा हूं आपको। मित्रों, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मित्रों ध्यान से देखिएगा। मित्रों, आप किसी भी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं फिनो पेमेंट बैंक का, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आप मैप हों, मतलब आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मित्रों सबसे पहले आपको जानकारी हमारी तरफ से मिलेगी। देखिए मित्रों, जैसे ही यह नई सर्विस आई है मैंने इसको वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहा हूं। तो मित्रों, सबसे पहले जो है आप एक नया विंडो पेज खोलेंगे या अपने मोबाइल में ऐप्स को अपडेट कर लेंगे। ऐप्स को अगर अपडेट कर लेते हैं तो, या फिर अपने सिस्टम में जो है नया विंडो खोलेंगे, वहाँ पर partner.finopaymentbank.in लॉगिन करेंगे। मित्रों, इस तरह से एक मैसेज लिख करके आपको आता होगा और आएगा भी। मित्रों देखिए, जो मैसेज आया है इसका भी बहुत बड़ा एक मतलब है, बहुत बड़ा महत्व है। तो मित्रों देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आप OTP आती है आपके मोबाइल पर, फर्स्ट चांस आप कहीं लॉगिन करते हैं तो मित्रों वह OTP किसी को ना दी जाए। यदि मित्रों कोई आपसे मांगता है तो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, पैसा आपका नुकसान पहुँचा सकता है। तो मित्रों जो है इस तरह से जो है आप आईडी को लॉगिन करेंगे। मित्रों वहाँ पर आप भी अपनी आईडी डालते होंगे, मैं भी यहाँ पे एक डेमो आईडी डाल रहा हूँ, डाल करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो मित्रों इसके बाद जो है आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही मित्रों देखिए यहाँ पर जो है एक, देखिए मित्रों पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मित्रों मेरे में सेव है, इसको मित्रों आप पासवर्ड डाल भी सकते हैं, जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद मित्रों आप सबमिट करेंगे। मित्रों सबमिट करते ही मित्रों देखिए इस तरह से आपकी भी एक आईडी ओपन होगी। जैसे मित्रों देखिए आईडी ओपन हो रही है, देखिए मित्रों इस तरह से आपकी भी आईडी ओपन होगी। मित्रों देखिए आईडी ओपन होने के बाद मित्रों सेम अगर पहली बार आप अकाउंट खोल रहे हैं तो भी मैं बता रहा हूँ, इसके पहले भी अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते चले आए हैं तो आपको जाने में और आसानी होगी। जो मित्रों पहली बार अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं मित्रों, वो लोग भी यहाँ पर एक जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालेंगे ग्राहक का, ग्राहक का मोबाइल नंबर जो भी होगा आप ग्राहक का मोबाइल नंबर डालेंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद जो है मित्रों आप सर्च करेंगे। देखिए मित्रों इस तरह से आपको भी सर्च करना है। देखिए मित्रों मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया, देखिए मित्रों प्रोसेस चल रहा है जो है। और मित्रों अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मित्रों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मित्रों, अब देखिए मित्रों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आ गए, ओपन अकाउंट, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, रिचार्ज, बिल पेमेंट। अब मित्रों आपको अकाउंट ओपन पर क्लिक करना है। मित्रों आप यहाँ अकाउंट ओपन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखिए मित्रों जो है आपके सामने जो नया पेज अभी खुल करके आएगा उस पेज पर जो है अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन बना रहेगा। देखिए मित्रों खुल गया। अब मित्रों देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो चीज़ें हैं, प्रथम सेविंग अकाउंट और मित्रों शुभम सेविंग अकाउंट। तो मित्रों शुभम सेविंग अकाउंट में क्या होता है इसके बारे में मित्रों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरा मित्रों मैं विस्तार से बताऊँगा आपको कि मित्रों आपको कोई दिक्कत ना हो। मित्रों सबसे पहली बात आप जान लीजिए, इसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो है इसमें क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं उसके बारे में आप जानकारी कर लीजिए। पहली बात मित्रों जो है इसका जो मासिक औसत शेष राशि जो है शून्य रुपये हैं, शून्य रुपये से जो है ये अकाउंट ओपन खुलेगा, लेकिन 399 रुपये GST ब्याज सहित व ब्याज 7.2 पॉइंट से अधिक रुपये लगेंगे व शॉपिंग एवं TDS भी कटेंगे। मित्रों इस तरह से जो है सेविंग अकाउंट आप खोलेंगे। इसके अलावा मित्रों जो दूसरा पॉइंट यहाँ बन रहा है, जो दूसरी चीज़ है उसको आप ध्यान देंगे कि शुरुआती निधि में जो है 399 रुपया जो GST सहित आपका लग रहा है उसमें आपका ATM चार्ज भी, जो शुरुआती में किसी भी बैंक से आप ATM चार्ज देते हैं तो कुछ ATM चार्ज लगता है वह रहेंगे। इसमें मित्रों जो ब्याज दर होगा
वह 7.025% से अधिक के लिए लिखा गया है। इसके अलावा मित्रों जो है यहाँ पर TDS के जो भी नियम हैं वह लागू होंगे। चौथा मित्रों जो है यहाँ पर जान लीजिए कि सेविंग अकाउंट राशि जो है 1,00,000 रुपये से अधिक राशि रखने पर जो है आपको कुछ ना कुछ अलग से जो है यहाँ पर तो आपको परेशानी हो सकती है। यानी मित्रों इस अकाउंट में आपको अधिकतम 1,00,000 रुपया से कम ही रखना है अपने अकाउंट में। उससे अधिक अगर रखते हैं तो जो भी बैंक के रूल्स होंगे, नियम होंगे इनके, उस नियम के तहत आपको नुकसान हो सकता है या नहीं भी नुकसान हो सकता है, लेकिन 1,00,000 रुपया की ही फैसिलिटीज दी गई है। इसके अलावा मित्रों जो है मैं वक्त बता रहा था कि जो पांचवा सबसे कठिन चीज़ और सबसे आसान चीज़ है, जो बहुत बेहतर है, जो समय होता है कि मित्रों जो आपको ATM कार्ड मिलेगा, उस ATM कार्ड पर 2,00,000 रुपये का आपका बीमा होगा। मित्रों बहुत ही बेहतर इसलिए है क्योंकि मित्रों आप अकाउंट जीरो बैलेंस से खुलवा रहे हैं और आपका 2,00,000 रुपये का इंश्योरेंस हो जा रहा है। कठिन मित्रों ग्रामीण क्षेत्रों वालों के लिए इसलिए है कि मित्रों उन लोगों को ATM चलाने की अभी आदत नहीं है और ATM की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मित्रों फिनो पेमेंट बैंक पहली बार जो है देहात क्षेत्रों के लिए ATM की व्यवस्था लेकर के आया है और जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग पर, तो मित्रों थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है। इसके अलावा मित्रों जो है आप LPG यानी गैस की सब्सिडी भी आप इस अकाउंट में सीधे प्राप्त कर सकते हैं। अकाउंट खुलाते समय जो है आप यहाँ पर सब्सिडी पर क्लिक कर देते हैं तो मित्रों जो भी गैस की सब्सिडी आती है वो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाएगी। इसके अलावा मित्रों जो आपका ATM से लेन देन करेंगे, वह ATM से लेन देन की जो आपकी राशि होगी वह अगर मेट्रो वाले स्थान हैं यानी शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर मेट्रो की व्यवस्था है वहाँ पर पूरे महीने भर में 3 बार, और देहात क्षेत्र में है जहाँ पर मेट्रो की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जो है 5 बार आप लेन देन कर सकते हैं निःशुल्क, जो कि मित्रों लगभग सारे बैंकों का यही रूल्स है, यही नियम है। इसके अलावा मित्रों जो है पूरे महीने में 25,000 रुपये की जमा या 25,000 रुपये की निकासी आप निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों अगर आप इससे ज़्यादा का लेन देन करते हैं तो 0.05% का आपका न्यूनतम चार्ज देना पड़ेगा। तो मित्रों थोड़ा सा ये चीज़ है कि मतलब ज़्यादा आप लेन देन आप इस अकाउंट से नहीं कर सकते हैं क्योंकि मित्रों यह शिवम सेविंग अकाउंट के तहत जो है जो भी अकाउंट खुल रहे हैं इनमें जो है बाउंडेशन लगाया गया है। इसके अलावा मित्रों जो है आपको SMS की व्यवस्था मुफ्त रहेगी और नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जो है आपको तुरंत तत्काल मिल जाएगा, तो मित्रों यह भी एक बहुत बेहतर चीज़ है। तो मित्रों इस वीडियो में मैंने बनाया और मैंने बताया कि कैसे ये अकाउंट ओपन होगा। इसके बारे में मित्रों आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट डेबिट कार्ड नंबर डालेंगे और डाल करके जो है आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। यदि मित्रों आपको डेबिट का मतलब ATM कार्ड नहीं चाहिए आपको तो यहाँ नो कर देंगे तो बिना ATM कार्ड के भी आपका खाता खुल जाएगा। यहाँ मित्रों दिया हुआ KYC नानी KYC, तो मित्रों अभी eKYC हो रहा है तो मित्रों eKYC पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही मित्रों देखिए इस तरह से ऑप्शन सेल खुल करके आपके सामने भी आ जाएगा। अब मित्रों आपको यहाँ पर जो है कस्टमर का आधार नंबर डालना है। मित्रों आप कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डाल करके जो है आप प्रोवाइड मत करेंगे तो स्कैनर आपका जो है स्कैनर जल जाएगा। उसके बाद जो है आप उसका फिंगर कैप्चर करेंगे, पूरे डिटेल्स उनकी आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, जो भी पैन कार्ड का डिटेल्स मांगा जा रहा है और भी जो डिटेल्स मांगेंगे उसे भरेंगे, भरने के बाद इनका अकाउंट खुल जाएगा। तो मित्रों अभी नया ये चीज़ आया हुआ है, इसके बारे में जितनी मुझे जानकारी थी उतना मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास किया। मित्रों इस पूरे वीडियो को बेहतर और विस्तार से अगले वीडियो में बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। अगर मित्रों हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मित्रों नमस्कार।